गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी तादाद में बैठे हैं। जब मैं आ रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। मैं ये महसूस कर रहा था कि गर्मी बड़ी है, लेकिन फिर भी आप बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अटूट रिश्ता जुड़ा हुआ है अजय कौल जी के साथ, जिनके कारण आज आप के सबके चेहरों पर इतनी बड़ी खुशी है। और मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगा। कुछ समय पहले मेरे मदर के नाम पर भी एक रोड बनी पंजाब के अंदर। प्रोफेसर सरोज सूद वो पढ़ाते थे कॉलेज के अंदर, और एज अ सन उनके बेटे होने के नाते मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि आज मेरे मदर के नाम पर एक रोड बनी है। और आज जब मैं अजय कौल जी को देखता हूँ और उनके पूरे परिवार को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत प्राउड मोमेंट होता है उस फैमिली के लिए जब जो उनके बड़े होते हैं उनके नाम पर यू नो गार्डन्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो पूरी सोसाइटी के लिए होता है वो ये होता है कि ये जो इंसान के नाम पर जो चीज़ बनाई गई है उसने बहुत कमाल का काम किया होगा, बहुत जिंदगियां बदली होंगी, बहुत चेहरों पर वो खुशियां लाई होंगी, इसके कारण आज उन्हें वो ऑनर दिया गया है। और ये हमें इंस्पायर करता है और आप सब लोगों को इंस्पायर करना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें या वो मैसेज दे सकें कि हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे जहाँ पर वो लोग चले हैं जिन्होंने वो नाम कमाया है। और आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना कि हम भी वो करें। वो बोलते हैं, मेरी मदर हमेशा एक चीज़ बड़ी कमाल की कहा करती थी कि कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे अगर आप 2 साल पहले पूछते हैं, 2.5 साल पहले पूछते कि लोगों को घर कैसे भेजा जाता है, उनके इलाज कैसे कराए जाते हैं, उन्हें पढ़ाया कैसे जाता है, उनको जॉब कैसे जलाए जाते हैं, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं उस रास्ते पर चलना शुरू किया, लोग मिलते गए और साथ जुड़ते गए और परिवार बड़ा होता गया। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने मेडिकल में बहुत सारे हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, डॉक्टर्स, एजुकेशन के फील्ड में अजय कौल जैसे विजनरीज मिले जिन्होंने बोला कि चलो साथ में मिलकर हम लोग जिंदगियां बदलते हैं। और उसी जर्नी पर आज मैं चल रहा हूँ। मुझे पता है कि सफ़र बड़ा लंबा है, मंजिल बड़ी दूर है, लेकिन मिल जरूर जाएगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिंदगी के, एक होता है कोशिश और एक होती है उम्मीद। जब लोग आपसे कोई उम्मीद लगाकर आपके घर पर आते हैं या आपके पास आते हैं तो ये सोचकर आते हैं कि शायद मैं इस इंसान से मिलूंगा, मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, और उस बदलाव लाने के लिए आप उसके लिए कोशिश करना शुरू करते हैं। तो इसलिए जो भी लोग आपसे उम्मीद लगाते हैं उनके लिए कोशिश जरूर कीजिएगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें कामयाब होते हैं नहीं, लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो जिंदगियां बदलेंगी जरूर। और मैं आज पूरे परिवार को सर आपकी बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आज बहुत बड़ा दिन है, बड़ा स्पेशल दिन है। और आई एम श्योर कि इस भीड़ में जितने लोग हैं वो भी बहुत सारे इंस्पायर होंगे आज, और कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आज मेरे भाई असलम शेख भाई बैठे हुए हैं, मेरा इनका रिश्ता बहुत पुराना है। जब मैंने शुरुआत की थी जिंदगी में एक्टर बनने की तब से मैं जानता हूँ। और मुझे याद है कि कोरोना के दौर में भी जब ट्रेन भेजी जा रही थी, बसेस भेजी जा रही थी, तो मैं इनको ही बड़ा परेशान करता था आधी आधी रात को कि भैया 2000 लोग आज और खड़े हुए हैं, 4000 लोग और खड़े हुए हैं, परमिशन चाहिए। आधी रात को कभी भी असल भाई ने ये नहीं बोला कि वक्त लगे और फटाफट करते गए। तो आई थिंक मैसेज ये था कि जब आप किसी अनजान इंसान के लिए कुछ मांगते हैं तो पूरा देश खड़ा हो जाता है साथ में आपकी मदद करने के लिए। और आज इतने बड़े बड़े डिग्नेटरीज बैठे हुए हैं तो मैं सबसे ही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि कभी भी आवाज़ दीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जो रास्ते पर चले हैं उसमें आपका हाथ थामूँ, आपसे कुछ सीखूँ, और अपना जो परिवार है लोगों की जिंदगियाँ बदलने का और बड़ा हो सके, और हम मिलकर बड़ा करेंगे। धन्यवाद, हमेशा खुश रहें। और जाने से पहले एक ही बात कहूंगा कि हमेशा याद रखें जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा।
तो इसलिए ये इंतजार मत कीजिएगा कि कौन मुश्किल में तकलीफ में आएगा और आपसे मदद मांगने आएगा, क्योंकि अगर आपसे कोई मदद मांगने आ रहा है तो इसका मतलब आप ऊपर वाले के बनाए गए वो जरिया बन चुके हैं, आपको सिर्फ जरिया बनना है। और अक्सर लोग बोलते हैं कि यार मैं बहुत पैसे कमा लूं, मैं बहुत कामयाब हो जाऊं, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊं, बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊं और फिर मैं उसके बाद मदद करना शुरू करूंगा। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि मदद करने के लिए ना तो पैसा चाहिए, ना कामयाबी चाहिए या नाम चाहिए, सिर्फ एक जुनून चाहिए और फिर देखिएगा आप वो कर जाएंगे जो बड़े से बड़े तुर्रम खां नहीं कर सकते। और आप जरूर करिएगा और प्लीज थैंक यू सो मच, आप ये इज्जत नवाजी है। थैंक यू सो मच अजय भाई, थैंक यू सो मच मैम, और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्टेज पे बैठी कनिका जी, हमारे बहुत अजीज दोस्त, और आज जिस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोनू सूद साहब, हमारे असलम भाई, और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, मैं सबसे पहले अजय सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो उन्होंने इस खुशी के मौके पर मुझे बुलाया। अजय सर के साथ मेरा ताल्लुक मेरे ख्याल से 25-30 साल पुराना है, जब मेरे बच्चे इनकी स्कूल में पढ़ा करते थे और मैंने इन्हें वहाँ से लेके यहाँ तक का इनका जो सफ़र है ये देखा है, इनकी मेहनत देखी है, इनकी कोशिशें देखी है। जो ये स्कूल है यहाँ पर, इसमें कहाँ कहाँ जाकर ये अजय साहब चाहते थे कि यहाँ के बच्चों को पढ़ाई मिले, एजुकेशन मिले, इसलिए एक एक घर जाकर लोगों को कन्विंस करना, उन बच्चों को बुलाना और पढ़ाई करवाना, ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने ये मुश्किल काम किया और आज स्कूल से। अरे जवाहर जी ने जो है बहुत ही अच्छा काम किया, वो मुंबई शहर में जिस तरीके से लोग फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे फिल्में बनाई थी, खुद जो है अच्छा एक कलाकार थे, उन्हीं के नाम पे आज जो है यहाँ पे गार्डन का नाम रखा गया है, उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। सारे खासदार भी यहाँ पर हैं, मंत्री भी यहाँ पे, माजी महापौर भी हैं, कलाकार भी हैं, और ये जो कॉल साहब हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में? ऑल द बेस्ट, बहुत कमाल किया। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी ना किसी ने कुछ कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़िंदगी ज़रूर बदली होगी, इसलिए ऐसे नाम रखे जाते हैं और इंस्पायर करते हैं। मैं पूरे परिवार को, अजय कौल साहब को खासकर ये मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और ऐसे ही इंस्पायर करते रहे। आई वडिलांचे संस्कार घेऊन मुलगा जेव्हा पुढे जातो वयात सुद्धा ते इतकं समाजासाठी काम करत आहे, तर जिथे कुठे जेव्हा सर असतील ते त्यांना आशीर्वाद देत असतील की तू चांगलं काम करतो, आणि एका वडिलांचा चांगला मुलगा म्हणून अजय कौल साहेबांचा मी आभार मानतो की खूप तुम्ही समाजासाठी करत आहे। त्याच्याबरोबर असलेले प्राशांत काशी हे एका नाण्याच्या दोन बाजू आहे, एकाला असं हे केलं तर दुसरं पण तसंच आहे, दोघं मिळून जे काही काम करतात आज समाजामध्ये, अजय कौल सर्वांना हॅट्स ऑफ। सबको इंस्पायर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सब यहाँ पर हैं। और मैं वही हमेशा बोलता हूँ कि अजय कौल साहब का काम सभी ने देखा है, जितने कमाल से वो करते हैं, ज़िंदगी बदलते आए हैं, और आई थिंक ये और भी अभी इंस्पायर करेगा दूसरों को, वो भी ऐसा ही काम करें और ज़िंदगी बदलें। काय बोलूँ मैं तो झाला ना, कितनी परत परत तेज बोलूँगा सला। ये हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मलाड में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने चौक नाम मेरे पिताजी के नाम पे दिया है और यहाँ पे उद्यान को नाम दिया गया, तो ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बड़े सम्मान और गर्व की बात है। सर, कब आपने सोचा कि उद्यान का उद्घाटन करना चाहिए ऐसे? कब आपने सोचा कि उद्यान का उद्घाटन करना चाहिए डैडी के नाम पे? नहीं, क्या था कि यहाँ की जो नगर सेविका थी प्रतिमा खोपड़े जी, तो उन्होंने ये सुझाव किया कि ये उद्यान जो है वो आपके पिताजी के नाम पे दिया जाना चाहिए, और उस वक्त उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया। सर, जो अभी इतना आप काम कर रहे हैं इसका और क्या क्या है कुछ थोड़ा बताइए? सामाजिक कार्य का तो कोई अंत नहीं होता है,
और जैसे जैसे सामाजिक कार्य की ज़रूरत होगी समाज में, उस तरीके से हम सामाजिक कार्य करते रहेंगे।